हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूँ राखी। आज मैं आप लोगों के साथ मसाला चने की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी की ओर। सबसे पहले मैंने ले लिया 400 ग्राम के करीब उबला हुआ चना। तो मैं पहले इसको अच्छे से भिगो के रखी थी ओवरनाइट, और इसके बाद मैंने 3 से 4 सीटी लगा के इसको प्रेशर कुक कर लिया। इसके बाद इसका पानी निचोड़ के मैं इसको साइड में रख दिया। इसके बाद मैंने ले लिया 1 कटा हुआ टमाटर, ऐसे क्यूब शेप में कट किया हुआ। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह। मैंने ले लिया 4 हरी मिर्च, और चाहिए 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। तो मैंने दोस्तों इधर कुटा हुआ लहसुन यूज़ किया, आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ले लिया 2 बड़े चम्मच प्याज का पेस्ट, और चाहिए थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये ऑप्शनल है। और जो सूखे मसाले चाहिए वो मैं वीडियो में आपको बोलती रहूँगी, तो इसलिए फुल वीडियो वॉच करें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, आप चाहे तो कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसको कढ़ाई में स्प्रेड करूँगी। और इसके बाद मैं दे रही हूँ इसमें खड़े मसाले, जैसे कि 1/2 टीस्पून के करीब जीरा, 2 दालचीनी, 2 छोटे छोटे इलायची और 2 सूखे मिर्च। तो इसको मैं 1 मिनट के करीब इसको सौते कर लेती हूँ। तो जब ये जो खड़े मसाले, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज का पेस्ट। अब ये प्याज का जो पेस्ट है, इसको 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे आपको बहुत अच्छे से भूनना है। तो देखिए धीरे धीरे जो प्याज का कलर है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूंगी कुटा हुआ लहसुन। इससे क्या होता है कि ये जो मसाला चना का जो एक फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ लहसुन। आप चाहे तो इसी जगह थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ऐड कर दिया अदरक पाउडर, आप चाहे तो कुटा हुआ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। तो दोस्तों 3 से 4 मिनट बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी और ऐड कर दूंगी कटा हुआ टमाटर। टमाटर को मैं ऐसे धीरे धीरे मैश करते रहूंगी, तो क्या होगा, जो ग्रेवी है वो अच्छे से थिक बनेगा। तो देखिए मैं टमाटर को मैश कर दिया, आप चाहे तो इस जगह मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो टमाटर मैश हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी सारे सूखे मसाले, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया लाल मिर्च पाउडर, नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से आपको ऐड करना है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया जीरा पाउडर। अब सारे मसाले और ये जो टमाटर है इसको बहुत अच्छे से एक साथ मिक्स करना है। तो दोस्तों मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और देखिए ये जो मसाला है कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, और फाइनली मैं ऐड कर रही हूँ उबला हुआ चना। चना देने के बाद मसाला के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया इसको, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये दिखने में दोस्तों। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो सारी चीज़ों को एक साथ मिला देती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें मिला दिया, अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी।
तो दोस्तों मैं हमेशा कढ़ी में या कोई भी मेरी रेसिपी में उबला हुआ पानी ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो रेसिपी है इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो आप भी कभी भी कोई भी कढ़ी या कोई मसाला ऐसे कोई रेसिपी बनाते हैं तो ज़रूर गर्म पानी यूज़ करें। इससे क्या होता है कि रेसिपी का जो टेस्ट है और भी अच्छा आता है। तो आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उतना पानी ऐड कीजिए, ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, और आपको थोड़ा सा सूखा मसाला पसंद है तो आप कम पानी यूज़ कीजिए। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया और इसको बॉईल होने देते हैं। मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ गरम मसाला, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा दोस्तों। तो देखिए ये जो मसाला चना है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो ऐसे तैयार हुआ है कि आप इसको चाहे तो नान पूरी पराठा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, और इसमें मैंने ज़्यादा मसाला भी नहीं यूज़ किया। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको सुबह की नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बन चुका है हम लोगों का मसाला चना की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा रेसिपी। अगर पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल राकेश किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं आती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।